जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 2-3 वीडियो बनाकर डालूंगी और आपको चैप्टर समझाऊंगी, तो उसी क्रम में मैंने अभी आप लोगों को सल्तनतकालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो उनकी योगदान थी या व्यवस्था थी उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, या उनका प्रशासन था इसके बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। तो इस क्रम में मैंने आपको बताया कि उनका जो सल्तनतकालीन सामाजिक जो आधार था समाज में, मैंने आपको इससे पहले सारी व्यवस्थाओं के बारे में बताया। तो इस क्रम में है भोजन, वस्त्र। तो भोजन और वस्त्र, ये भोजन भी उस समय हम लोगों के यहाँ शाकाहार लिया जाता था, और जो सल्तनतकालीन शासक थे जिन्होंने नए धर्म को भारत में लाया था, मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म, तो ये लोग मांसाहारी थे। उसी प्रकार कपड़ा, रहन सहन, पहनावा, ये सब में भी अंतर था। हमारे घर में हिंदुओं के यहाँ पुरुष धोती कुर्ता पहनते थे और स्त्रियाँ साड़ी पहनती थी, और जो सल्तनतकालीन शासक थे उनके समय का जो पहनावा था वो पहनावा क्या था, तो पहनावा था शेरवानी, कुर्ता पैजामा और सलवार कमीज, कुर्तियाँ, सरारा, तो यानी कि ड्रेस, कपड़ा, खाना, ये सब का कॉन्सेप्ट अलग अलग था। अब धीरे धीरे हम लोग क्या हो गया कि हम लोग 300 साल में उसको सारे चीज़ों को अडेप्ट कर लिए, और आज के डेट में जो हम लोग ये कपड़ा पहनते हैं या पैंट शर्ट, वो भी हमारे यहाँ का ड्रेस नहीं है, वो हमने सीखा किससे, विदेशियों से सीखा, यूरोपियनों से सीखा। कुर्ता पैजामा हमने किससे सीखा, तो अरबों से, सल्तनतकालीन शासकों से सीखा। तो इसी प्रकार ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाले। तो आप समझ जाइए कि हमारा समाज जो है आज के डेट में, वर्तमान में मिला जुला समाज है। ये इसकी शुरुआत भारत में कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत भारत में हुई थी सल्तनतकालीन शासन के समय से। हमारे यहाँ धीरे धीरे हमारे सामाजिक सिस्टम में, सामाजिक जो हमारा प्रक्रिया था उस सब में बदलाव हुआ, और उसी प्रकार अब इसको हम और कंटिन्यू करेंगे। और आशा करती हूँ मैं आपको और इसके बारे में 2-3 जानकारियाँ और दे दूँ। इसमें एक टर्म है एकता व्यवस्था। ये एकता व्यवस्था कहाँ थी, तो ये एकता सिस्टम था, राजा लोग विशेष अधिकार देते थे। एकता था एक ऐसा प्रोविज़न, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से वो प्रशासन के जो बड़े पोस्ट के लोग थे उनको वो ज़मीन दिया करते थे, और बड़ा बड़ा ज़मीन ग्रांट करते थे। इसमें जो पदाधिकारी थे वहाँ वो जाकर रहते थे, वहाँ खेतीबाड़ी करवाते थे, वहाँ फल फूल वगैरह का उत्पादन करवाते थे, और फिर वहाँ अपना जीवन यापन करते थे। तो वो ज़मीन थी एकता, बाद में जाकर ये ज़मींदारी में भी खंडभट हो गई। तो ये आप अगले चैप्टर में जानेंगे, ठीक है? अगला चैप्टर नहीं, अगले क्लासेस में जब मुगल्स के बारे में मैं पढ़ाऊंगी तब इसके बारे में आप और जानेंगे कि एकता को उसके बाद उन्होंने किस खंड में बांटा। तो एकता व्यवस्था भी प्रशासन का एक केंद्र था। और इस क्रम में और 2-3 टर्म है, तो वो भी टर्म मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ज़मींदार, ज़मींदार यानी वो एकता जिनको ज़मीन ग्रांट हुआ था, वही लोग ज़मींदार की तरह काम भी करते थे। यानी वो किस निकाय में काम करते थे, तो राज्य जो था सल्तनतकालीन, दो रूपों में उसका प्रशासन काम करता था, एक केंद्र का प्रशासन और दूसरा था क्या, सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि जो लोकल बडीज होता था, जैसे कि जिसको हम लोग लोकल बडीज के अंतर्गत रख कर जिसमें कार्य काम को देखा जाता था। जैसे इन्होंने क्या किया था, एकता सिस्टम चलाया, उसके तहत अपने ऑफिसर्स को क्या किया, तो सूबेदारी देनी शुरू की, प्रांत देना शुरू किया, और फिर उनको जाकर वहाँ व्यवस्थित किया। जैसे कि हम लोग अभी भी दरभंगा के बारे में सुनते हैं कि दरभंगा महाराज को दान मिला था जो ये प्रॉपर्टी, दरभंगा का सूबेदारी, ये दरभंगा का सूबेदारी उनको कहाँ से मिला था, तो मुगलों के समय में अकबर के दरबार में जो क्विज़ हुआ था, कंपटीशन हुआ था, वहाँ उन्होंने ये प्रांत उनके शिष्य जीते थे, दरभंगा महाराज के शिष्य जीते थे, माधेश्वर सिंह के शिष्य जीते थे। तो फिर वो लोग अपने गुरुजी यानी माधेश्वर सिंह जो उस समय उनके गुरु थे, पढ़ाते थे, उनको जाके दिए कि गुरुजी आपने हमें सिखाया है, तो ये आपका प्रांत है, ये आप लेके जाइए। तो मुगल्स का दान की वो जमीन पे आकर यहाँ पे वो दरभंगा में अपना राजघराना शुरू किए। लेकिन ये किनके अंडर में थे उस समय, तो ये उस समय मुगल, मुगल किसको डिफीट करके आए थे, तो सल्तनत को, यानी सूबेदारी, जागीरदारी, ये सिस्टम, ये ऐसे करके काम किया जाता था। जो लोग अच्छा काम करते थे उस जमाने में भी उनको प्रमोशन दिया जाता था। तो दरभंगा के दरभंगा महाराज का भी इतिहास ऐसा ही है कुछ, ये आगे आपको मैं बताऊंगी, आगे की क्लास में समझाऊंगी।
तो आप जान लीजिए कि हमारा जो इतिहास है इसमें सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का बहुत ज़्यादा महत्व है। संस्कृति पर भी मैं एक दो टॉपिक अभी आप लोगों को तैयार करके दे दूँगी। ऐसे तो हिस्ट्री किसी भी राजा महाराजा के बारे में है तो वह बहुत विस्तृत है, लेकिन कि आप लोगों का मैंने सिलेबस देखा है उसमें कुछ कुछ टर्म है, उस टर्म के अकॉर्डिंग ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि आप लोग मेरी बात को समझें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं किस राजवंश के बारे में कहना चाह रही हूँ। तो जैसा मैंने आप लोगों को आज मेरा ये चैप्टर सल्तनतकालीन कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसमें कुल 4 वीडियोस दिए हैं और 4 वीडियोस में सबसे पहले सल्तनत काल का एस्टैब्लिशमेंट दिया है कि इसका एस्टैब्लिशमेंट, इसकी स्थापना कैसे हुई है, फिर स्थापना के बाद इसका विस्तार कैसे हुआ है, इसके कौन कौन से राजवंश थे, फिर इसके बाद इनकी उपलब्धि क्या थी, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके कितने राजवंशों ने काम किया और इसका प्रशासन क्या है, और आज मैं आपको चौथा दिन है और इसी में इसको कंप्लीट कर रही हूँ कि आज इसके प्रशासन यानी सामाजिक इनका व्यवस्था क्या था, इनका आर्थिक व्यवस्था क्या था। तो आर्थिक के बारे में भी मैं कुछ 2-3 पॉइंट उलेमाओं के बारे में, मौलवियों के बारे में मैं आपको अगले चैप्टर में जानकारी दूंगी। और एक बात खिलजी के बारे में भी आप लोगों को बताना था, खिलजी ने क्या किया था, तो खिलजी ने वो भी मैं अभी लिख के दे दूंगी कि खिलजी ने भारत में सबसे पहले सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया था। वो उसका कॉन्सेप्ट था नहर बना के सिंचाई करना और खेती बाड़ी करवाना, और उसके समय में ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, यानी उस समय हिंदू मुस्लिम हिंदुओं को भी लाभ हुआ था, हिंदू किसानों को भी इससे लाभ हुआ था। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सिलेबस को बारीकी से देखा और मैंने आपको यहाँ पे ये सब चीज़ बता दिया। उम्मीद करती हूँ मैंने जैसे आपको पढ़ाया है, मैंने जैसे आपको समझाया है, सल्तनतकालीन सिस्टम, सल्तनतकालीन व्यवस्था आपके दिमाग में सिट कर गया होगा। क्यों? क्योंकि सल्तनतकालीन व्यवस्था के अंतर्गत हमारे भारत में एक नयापन आया था, नया धर्म आया था, इस्लाम धर्म आया था, और इस्लाम धर्म को किन्होंने लाया था? अरब और तुर्क ने। और आज हम लोग एकदम से मिलजुल कर एक संप्रभु देश हैं, संप्रभुता है हमारे बीच में, इसका अनेकता में एकता हमारी पहचान, ये कॉन्सेप्ट है। यानी हमने इतनी मिली जुली संस्कृतियों के साथ रहे हैं कि हम जानते हैं कि सब हम अपने हैं, हमारे अपने हैं। और आशा करती हूँ ये चैप्टर आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगले चैप्टर में मैं कुछ वीडियोस और डाल देती हूँ, ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। अगला जो मेरा चैप्टर होगा मुगल काल, उसको पढ़ेंगे, उसको जानेंगे। ठीक है, चलिए, नमस्ते।